हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया की ट्यूशन फ़ी कितनी है। वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मुझे किसी ने ईमेल के ज़रिए कॉन्टैक्ट किया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया की ट्यूशन फ़ी कितनी है यूविक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, और उनकी डिग्री थी MEng। तो इसी से रिलेटेड मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन वीडियो बनाने से पहले मैं काइंड ऑफ फील हैप्पी कि मुझे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया और उनके जो क्वेश्चन थे मैंने कोशिश की कि मैं उनको रिप्लाई बैक कर सकूं। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि प्रोफेसर को ईमेल कैसे करनी है और यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी कितनी है और प्रोफेसर को कैसे सर्च किया जा सकता है, और इवन कि अगर आपको हेल्प चाहिए हो कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, तो मेरी कोशिश करूँगा कि आपको मतलब कि अच्छे से गाइड कर सकूँ। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया में जो ट्यूशन फ़ी है वो कैसे फाइंड आउट करनी है। जी फ्रेंड्स, तो आपने सिंपली गूगल पर आना है और यहाँ पर लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया फीस कैलकुलेटर। तो जैसे ही आपको सर्च करेंगे तो इसमें आपको क्या कहते हैं अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की भी ट्यूशन फ़ी का पता भी चल जाएगा और ग्रेजुएट एडमिशन टीम की भी फ़ीस का पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं फोकस करूँगा ग्रेजुएट एडमिशन के बारे में। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ट्यूशन एंड कोर्स का पेज ओपन हो जाता है। अगर आप इसके नीचे आएँ तो इसमें उन्होंने सिंपली पूछा होता है कि आई एम आ, तो आपने इसको क्लिक करना है, इस पर इंटरनेशनल स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने अपना फील्ड ऑफ स्टडी आपने फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स हैं, इसमें मास्टर डिग्री है, ठीक है, MA चाइल्ड है, मास्टर ऑफ ग्लोबल साइंस है, MBA डे टाइम है, और इसमें डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। इसमें एक बात नोट करने की है कि अगर आपकी डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और अगर आप नीचे सर्च करें तो इसमें कोई भी फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने पहले वाले फील्ड पे कैलकुलेट कर देना है। इन्होंने लिखा हुआ है मास्टर्स डिग्री और सी बिलो फॉर मास्टर्स प्रोग्राम विद स्पेसिफिक फीस। तो अगर तो आपकी डिग्री नीचे मेंशन नहीं की तो आपने सिंपली इसको कैलकुलेट इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और एस्टिमेट फीस पर आप चेकआउट करेंगे तो आपको यह नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको वो बताएंगे कि आपकी ट्यूशन फ़ी कितनी है। तो उन्होंने ये जो ट्यूशन फ़ी बताई हुई है ये एक टर्म की है। तो कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्मली एक साल में 3 टर्म्स होती हैं, तो ये एक टर्म का मतलब है कि ये अराउंड 4 मंथ की ट्यूशन फ़ी है, और आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है तो आपको 1 ईयर की ट्यूशन फ़ी मिल जाएगी। आप इसमें दूसरी डिटेल्स वगैरह भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल इसमें मिल जाएगी। इन केस कि अगर आपको अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है या अब भी कन्फ्यूज़ है, तो आप मतलब कि इनके पेज पर जाके कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको डिफरेंट सेक्शंस मिल जाएंगे और आप इनको कॉन्टैक्ट करके क्या कहते हैं अपनी इंक्वायरी वगैरह पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि कनाडा में किसी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगेन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और जो मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे फ़ाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास दूसरे फॉरम भी हैं या दूसरे मतलब के यूट्यूब चैनल्स भी हैं या दूसरे लोग भी हैं जो आपको मेरे से भी अच्छे से गाइड कर सकते हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।